हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ पालक पनीर रेसिपी। एकदम इजी रेसिपी है गाइस, सेम तरीके से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पालक लिए हुए हैं गाइस। पालक को हमने 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया और मैंने लिए हुए हैं 250 ग्राम पनीर। गाइस, पनीर को हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया, आप अपना अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। और साथ में लिए हुए हैं 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और लेंगे 1 टमाटर, और लेंगे कुछ लहसुन की कलियां, और लेंगे 1 सूखे लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, और लेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, और लेंगे 1 तेज पत्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल ऐड करें। गाइस, आप चाहें तो तेल के जगह घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे तेल गर्म हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे पनीर। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लें। गाइस, यदि आपको फ्राई किया हुआ पनीर पसंद नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पनीर को अलट पलट करते हुए फ्राई कर लें ताकि चारों ओर अच्छे से फ्राई हो सके। इसके बाद जैसे पनीर का हल्का कलर चेंज हो जाए तब इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, तो बस अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। तो ये देखिए, हमने सारे पनीर को निकाल लिए हैं। इसके बाद सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करें, और 1 सूखे लाल मिर्च, और 1 तेज पत्ता। अब कुछ सेकेंड के बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लें। गाइस, आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसे मिक्स कर दें। और कुछ सेकेंड के बाद ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ ही ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और लहसुन। गाइस, लहसुन को हमने दरदरा कूट कर लिया है और हरी मिर्च को बीच में चीरा लगा लिए। इसके बाद इसे मिक्स कर दें। गाइस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले ना जले और अच्छे से भून जाए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लें। गाइस, बीच में 1 से 2 बार चम्मच चला लें ताकि ना जले। 2 से 3 मिनट के बाद देखेंगे टमाटर अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। और इसे एक बार मिक्स कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद सभी चीज़ों को मिक्स कर दें और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर से तेल अलग ना हो जाए और बढ़िया सा पेस्ट ना बन जाए। गाइस, मुझे इस पेस्ट को पकाने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगा और आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है। अब ये हमारा मसाला तैयार हो चुकी है, तो बस इसमें ऐड करेंगे पालक। तो गाइस, ये देखिए पालक को हमने बारीक कट कर लिया। इसके बाद पालक को मिक्स कर दें। अब पालक को भी इन मसालों के साथ पका लेते हैं, इससे जो हमारा ग्रेवी का टेस्ट है ना, काफ़ी अच्छा आएगा। और ढक के 5 मिनट तक पका लेते हैं जिससे कि पालक अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुकी है, चलिए चेक कर लेते हैं और इसे एक बार मिक्स कर दें। और गाइस, कड़छी की हेल्प से इस तरह से पालक को क्रश कर दें ताकि पेस्ट बन सके, और ये बहुत आसानी से पेस्ट बन जाती है। आप चाहें तो पालक को मिक्सी जार में पीस के इसका पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद पालक को अच्छे से पका लें और पालक को तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी ख़त्म ना हो जाए। गाइस, आप जितने अच्छे से पालक को भूनेंगे ना, उतना टेस्ट आएगा पालक पनीर में। चलिए इसे 5 मिनट तक ढक देती हूँ ताकि अच्छे से भून जाए। 5 मिनट के बाद देखेंगे बिल्कुल पेस्ट जैसे बन चुकी है। गाइस, हमने 1 से 2 बार चेक किया है, तो बस इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने यहाँ पे गर्म पानी यूज किया है, ठंडा पानी यूज नहीं करेंगे वरना इसका टेस्ट चला जाएगा। गाइस, मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड किया है। आपको जितना ग्रेवी पतली या गाढ़ी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग पानी ऐड करें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे नमक। ध्यान रहे, नमक पहले भी ऐड किए हैं। एक बार मिला दें। इसके बाद ग्रेवी को 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे हमारा ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसे एक बार मिक्स कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ पनीर, इसे मिक्स कर दें। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक वापस ढककर पकाएंगे।
तो ये हमारा पालक पनीर बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। अब लास्ट में ऐड करेंगे एक चम्मच मैगी मसाला मैजिक। इस मसाले से ना टेस्ट को लाजवाब बनाता है गाइस। इस मसाले को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इस मसाले को मिक्स कर दे और इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। और इसे ज़्यादा टेस्ट बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, साथ ही ग्रेट किया हुआ पनीर। गाइस आप चाहे तो डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं, पर इस तरह से ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसके बाद मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ कर दें। ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी का टेक्सचर है गाइस। तो बस पालक पनीर सर्व करने के लिए तैयार है। आप इस पालक पनीर को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो गाइस आपने देखा ना ये रेसिपी बनाना कितना सिंपल है। आप इस पालक पनीर को रोटी, पराठा, नान, कुलचा के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी। गाइस आज का मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।